नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मिश्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम टेक्निक संजू। तो दोस्तों फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब पेमेंट के बारे में, तो जहाँ पे मुझे आज रिसीव हो चुकी है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कितना समय लगा और क्या क्या चीज़ें मुझे देखनी पड़ी इस पूरे एक साल के अंदर, और कितना मुझे पेमेंट मिला, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि कैसे, कितना और कितना समय लगा कि सब्सक्राइबर व्यूज, तो ये सब कुछ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बगल बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ चैनल स्टार्ट के बारे में। तो मैं स्टार्टिंग से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर एक साल में जो मुझे पहली पेमेंट मिली है तो कितना इसका लंबा सफ़र रहा, कैसे मिला, ये चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि इससे पहले जब मेरे 10,000 क्रॉस हुए थे तब भी मैं आपके सामने नहीं ये चीज़ एक्सप्लेन कर पाया था। ठीक है, तो आज मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात स्टार्ट होती है कि अप्रैल 7 से, मतलब 2017 से मैंने स्टार्ट किया था, और ये स्टार्ट किया था 2017 के 7 अप्रैल से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब जब हमने स्टार्ट किया था उससे पहले भी मैंने 2 चैनल बनाए थे जहाँ पे मेरा चैनल जो टर्मिनेट कर दिया गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आखिर कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है और कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कुछ भी मुझे नहीं पता था, क्रेडिट क्या होती है, कुछ भी चीज़ें मुझे नहीं पता थी यहाँ पे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे समय आया और वहाँ पे मुझे ये चीज़ें पता चली कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, स्ट्राइक क्या होती है, तो मैंने कुछ सर्च किया। सर्च करने के बाद फिर मैंने एक चैनल नया बनाया, ये चैनल टेक्निकल संजू के नाम से। अब गाइस यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में धीरे 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 वीडियोस अपलोड करता गया और कोई खास भी वीडियोस मेरी नहीं थी स्टार्टिंग। अगर आप वीडियोस देखोगे तो मुझे बोलना तक नहीं आता था कि मैं आखिर बोलूँ कैसे कैमरे के सामने, और उस तरह भी बोलना नहीं आता था, तो कुछ भी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। लेकिन धीरे 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 मैंने कठिन हार्ड वर्क किया और धीरे धीरे मैंने पहले तो एडिटिंग थोड़ा वो सीखी कि आखिर एडिट कैसे करें अपनी वीडियोस को, क्योंकि आपको पता है कि जो फ़र्क पड़ता थोड़ा वीडियो एडिट के भी पड़ता है, क्योंकि अगर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग होती है तो यहाँ पर काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव लगता है, उसी के हिसाब से आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर भी मिलते हैं। अब बात आती है कि मैंने जब 7 अप्रैल को स्टार्ट किया नया वाला चैनल टेक्निकल संजू, तो मैंने स्टार्टिंग में 1-2 वीडियोज़ डाली। ठीक है, तो कुछ भी व्यूज़ नहीं आए। मैंने यहाँ तक कि मैं बता दूँ आपको, वो 300 वीडियोज़ मैंने डाल दी थी तब भी मुझे व्यूज़ बराबर नहीं मिल रहे थे। फिर एक दिन मैंने देखा कि मतलब कि जियो फ़ोन आया था स्टार्टिंग के अंदर, और मैंने सोचा कि चलिए एक नया टॉपिक बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको कुछ भी सक्सेस पाना है आज के डेट में तो आपको सबसे अलग करना होगा कुछ काम। अगर आपको पैसे ही कमाने नहीं बल्कि आपको कोई भी अब अपने रियल लाइफ में भी कुछ करना है तो आपको सबसे अलग करना होगा, और वो ऐसा काम करना होगा कि जो किसी ने नहीं किया हो। तो मैंने इसीलिए ये काम चुना और मैंने जियो फोन से रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता रहा तो 1-2 वीडियोस तो नहीं चली, उसके बाद फिर धीरे 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 एक दिन मैंने वीडियोस बनाए थे कि जियो फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट, और वो वीडियोज़ जो है मेरी लगभग 30,000 क्रॉस कर गई। तब मुझे थोड़ा सी खुशी हुई कि हाँ चलिए एक वीडियोज़ मेरा वायरल थोड़ा बहुत हुआ, क्योंकि वीडियोज़ वायरल होता है, अगर आपका 10,000 भी क्रॉस कर जाए तो समझ लीजिए वीडियोज़ आपकी वायरल हो गई है। ठीक है, तो मतलब मैंने 300 वीडियोस डाली और मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला, ना ही मुझे व्यूज़ मिल रहे थे और ना ही मुझे सब्सक्राइबर मिल रहे थे। पैसे की तो बात ही छोड़ी, क्योंकि मेरा जो मेन एम था वो बनाना था, मतलब मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, तो मुझे मैं पैसे के लिए यहाँ पे यूट्यूब पे कभी नहीं आया हूँ, और अभी भी मैं वीडियोस एक दिन में 5-6 वीडियोस डाल देता हूँ। ये नहीं मैं सोचता हूँ कि कितने व्यूज़ मिलेंगे मुझे, कितने सब्सक्राइबर मिलेंगे, ये सब मैंने कभी नहीं सोचा। तो मतलब वो वीडियोस से मेरी जो है ग्रोथ हुई थोड़ा बहुत, अब स्टार्टिंग के जो वीडियोस, उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो और बनाया था कि जियो फोन के अंदर व्हाट्सएप कैसे चलाएं। मतलब स्टार्टिंग में आया था और काफ़ी लोग वहाँ पर ढूंढ रहे थे कि जियो फोन के अंदर व्हाट्सएप कैसे चलाएं, तो आपको वही वीडियोस बनानी है कि जो लोग सर्च करते हैं। जैसे कि मैं उस वाली वीडियोस मैंने बनाया कि जियो फोन के अंदर व्हाट्सएप कैसे चलाएं, तो मैंने थोड़ी बहुत ट्रिक्स बताई थी कि जियो फोन को अपडेट करोगे उसके बाद अपडेट करने के बाद थोड़ा बहुत उसका वर्जन बढ़ जाता है, थोड़ा एक्सप्लेन करके मैंने वो वीडियोज़ बनाई थी। तो उस पर मुझे व्यूज़ लगभग मिले थे 1,80,000 के करीब, उसमें व्यूज़ मिले थे। फिर धीरे 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 मुझे धीरे धीरे पता चला कि आखिर जब मैं वीडियोस बनाऊं तो उसमें टाइटल कैसे डालूं, उसमें डिस्क्रिप्शन कैसे लिखूं, और उसमें मैं कैसे टैग डालूं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होता, मतलब आप वीडियोस बना दिए और उसमें ना ही टैग डाले हो, टाइटल भी नहीं डाले हो, और साथ ही साथ वहाँ पर आपने टैग भी नहीं डाला, डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखा, तो वहाँ पर वीडियोस आपकी वायरल होने वाली नहीं है।
कहने का मतलब है कि आपको साथ साथ वीडियोस, एक प्रोफेशनल वीडियोस बनानी है तो उसके साथ साथ में टैग भी ज़रूरी है, टाइटल भी ज़रूरी है और डिस्क्रिप्शन भी ज़रूरी है। तो कहने का मतलब मुझे जो है ये सारा कुछ करना पड़ा, काफ़ी कुछ मुझे यहाँ पे सुनना पड़ा। मतलब जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस बनाता था और बनाने के बाद में अगर किसी के ग्रुप में शेयर करता था, क्योंकि अब पता ही है कि हर बंदे के पास यूट्यूब चैनल, मतलब कि हर एक बंदे के पास यूट्यूब चैनल है। अगर आप कोई भी ग्रुप में अगर चैनल अपने चैनल की लिंक शेयर करते हो और बोलते हो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तो कोई करने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा आपसे कुछ लोग वही कहेंगे कि भाई मेरा भी एक चैनल है, मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो कहने मतलब एक बार मैंने अपना जो वीडियोज़ मैंने शेयर किया था, शेयर कर स्टार्टिंग में बात बता रहा हूँ, तब मेरे 100-200 सब्सक्राइबर थे। और वहाँ पे मतलब एक लड़के ने कहा था कि भाई देखो ये चैनल सबके पास है, ये चैनल मत शेयर करो, किसी की लिंक ग्रुप के अंदर ना शेयर करो। तब से मैंने ठान लिया कि मैं किसी के साथ में शेयर नहीं करूँगा, जो भी करूँगा अपने दम पे करूँगा। तो आज जो है चैनल के लगभग 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, और साथ ही साथ मैं व्यूज़ की भी बात करूँ तो लगभग 20 लाख व्यूज़ भी इस चैनल के कंप्लीट हो गए हैं, मतलब 21 लाख व्यूज़ लगभग लगभग हो चुके हैं। जो भी मैंने किया अपने दम पे किया है। तो मैं आज मैं आप एक चीज़ बता दूं कि जो भी अगर आपको करना है तो अपने दम पे ही करना है, किसी का सहारा नहीं लेना। थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा समय अगर लगेगा तो आप अगर अपने दम पे कुछ करेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, और वो एहसास होगा, जो फीलिंग होगी उसकी कुछ अलग रौनक होगी। तो मैं यही कहता हूँ कि आप अगर यूट्यूब पर आते हो तो एक अच्छी सोच लेकर आओ। स्टार्टिंग में आप पैसे के चक्कर में ना आओ कि मुझे 100 व्यूज़ मिल गए हैं, अब मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो अब मुझे कितने पैसे मिलेंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप काम करते जाओ, काम करते जाओ, अगर आप सक्सेसफुल होती हो तो एक दिन पैसा आपको 100% मिलेगा यूट्यूब पर। तो मुझे फ़िलहाल यहाँ पर जो है मिल गया है, मैं एक Redmi 4A ख़रीद सकता हूँ, और काफ़ी खुशी होती है कि जब कोई मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उसे पैसे मिलते हैं तो उसकी कुछ फीलिंग अलग होती है। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे जो है पहली पेमेंट रिसीव हो गई है मेरे गूगल एडसेंस में, और उसको मैं रिसीव भी कर लूँगा बहुत जल्द अपने अकाउंट में। तो मैं बता दूँ कि Redmi 4A खरीद सकता हूँ, उसके बाद कुछ पैसे यहाँ पे बच भी जाएंगे, तो इतना मेरा मेरा जो है कंप्लीट हो गया है। तो बस यही सारी बातें थी, लगभग यहाँ पे 5 या 6 मिनट वीडियोस कंप्लीट होने वाले हैं। तो बस यही सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी होगी और थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन।